हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी आज की एक और नई वीडियो में। तो आज मैं एक और अजियो से प्रोडक्ट मैंने मंगवाया है, क्योंकि अजियो में चीज़ें काफ़ी सही रेट में मिल जाती हैं, मिंत्रा वगैरह से काफ़ी कम में, और इसमें ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलता है जैसे कि लोग बोलते हैं, और मैंने भी हमेशा देखा है इसमें ओरिजिनल प्रोडक्ट ही मिलता है, तो मैं मोस्टली इसी से मंगवाता हूँ। तो आज मैंने मंगवाए हुए हैं एक शूज़ जो कि मुझे ज़रूरत थी इनकी, तो मैं इनको पहले करते हैं हम अनबॉक्स फ्रॉम रील टू रियल, और मैं बताता हूँ कैसे शूज़ हैं, इनका पूरा रिव्यू दूंगा आपको कैसे लगते हैं ये पहनने में, और दिखाऊंगा भी। तो आइए इनको करते हैं हम पहले अनबॉक्स। इसकी पैकेजिंग मेरे को बाहर से देखने में लग रहा है कि अंदर से जो पैक आता है शूज़ का वो बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में नहीं है, फिर भी चलिए देखते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं कैसा आया हुआ है पूरा। ये इसका बिल है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ये देखिए, आप पूरा देख सकते हैं, ये मैंने मंगवाए हुए हैं ब्रोग्स, रेड टेप के ब्रोग्स, काफ़ी सही लगते हैं। ये देखिए इसका रेट 6,499 रुपीज़, यानी 6,500 रुपये के ब्रोग्स हैं ये, और मुझे इतने के नहीं पड़े हैं ऑब्वियसली, मुझे काफ़ी कम के पड़े हैं, वो मैं आपको बताऊँगा अभी वीडियो के आखिरी में कि मुझे कितने के पड़े। पहले इनको देखते हैं कैसे हैं ये, और इनका मटेरियल कैसा है वगैरह वगैरह। देख सकते हैं आप, मुझे तो काफ़ी सही लग रहे हैं देखने में। इनका अपर जो ये है ये लेदर मटेरियल है, और नीचे TPR सोल है। TPR अगर किसी को पता नहीं है तो वो होती है थर्मोप्लास्टिक सोल। देखिए, मतलब जो थर्मोप्लास्टिक सोल होती है वो काफ़ी सही रहती है शूज़ के लिए, उसमें थर्मोप्लास्टिक रबर सोल तो वो काफ़ी सही रहती है शूज़ के लिए, वेयर टेयर इतनी जल्दी नहीं होता है शूज़ का अगर थर्मोप्लास्टिक सोल रहती है तो। जो ये है थर्मोप्लास्टिक रबर सोल, तो काफ़ी सही रहती है। और इसका मैं आपको दूसरा भी दिखाता हूँ। देखिए, इसके पैक को रखते हैं हम साइड में, और रेट तो मैंने आपको दिखाई दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पर 6,499 रुपीज़। और ये है साइज़ 10, क्योंकि मेरे को 10 साइज़ आता है तब मैंने ये वाले मंगाए। और इनका बॉक्स तो आप देख सकते हैं कितनी गंदी कंडीशन में आया हुआ है, इसको रखते हैं हम साइड में और शूज़ देखते हैं। हाँ, तो चलिए हम शूज़ को देखते हैं अब। इसकी लेसेस नॉर्मल ही हैं, पर इसको निकाल देते हैं बाहर। हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी लेसेस नॉर्मल ही हैं, अंदर दिखा देता हूँ आपको। इसमें यहाँ पे सब लिखा हुआ तो है, ये देखिए थोड़ा ही, ये काफ़ी सॉफ्ट लग रही है मुझे पहनने में, काफ़ी सही लगने वाली है ये। इसकी लेसेस काफ़ी मेरे को पसंद नहीं आई, लेसेस थोड़ी ऐसी हैं इसकी, मतलब देख सकते हैं आप मटेरियल लेसेस का इतना अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, लेकिन ओवरऑल काफ़ी सही लग रहे हैं ये। इनका कलर देखिए, इनका डिज़ाइन, इनमें डिज़ाइन यहाँ पर आता है बिल्कुल आगे, और पूरा ब्लू, पूरा ब्राउन है, और आगे से थोड़ा डार्क ब्राउन दिया हुआ है जैसे कि आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे थोड़ा अलग है, जैसे पे थोड़ा शाइनी टाइप का है। ये देखिए, कलर तो काफ़ी सही है इसका, ये है रेड टेप का, इसकी रेड टेप की यहाँ पे ब्रांडिंग दी हुई है, और इसमें क्या लिखा है यहाँ पर देखिए, लेदर अपर, जैसे कि इन्होंने दिया हुआ है इसका अपर जो है वो लेदर का है, इसमें लिखा भी हुआ है देख सकते हैं आप क्लियरली। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा अगर आपको मंगाना है तो, और यहाँ पर रेट लिखे हुए हैं इसके, और ये दूसरा शूज़ भी सेम ही होगा आई गेस। इनमें अगर आप देख पा रहे हो तो मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे को कुछ अच्छी चीज़ दिखी है इसमें, दिखाता हूँ अभी आप लोगों को अंदर से। टाइट होते हैं लेकिन देख सकते आप, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए जो इसका अंदर से है, यहाँ पे से इसका जैसे कि आपको ये दिख रहा है ब्राउन है, लेकिन अंदर से काफ़ी सॉफ्ट है, मतलब बहुत सॉफ्ट मटेरियल है, ऐसा मटेरियल नहीं है अंदर से अलग ही मटेरियल निकलने वाला है, नहीं ये निकलने वाला नहीं है, वरना मैं आपको निकाल के दिखाता ये सिला हुआ है यहाँ पे, तो मतलब मैं निकाल के दिखाता, अंदर से इसका काफ़ी अलग मटेरियल है।
आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा आई गेस। तो दोस्तों इसका मटेरियल अंदर से काफ़ी अलग है, जैसे कि मैंने बताया आपको काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल है अंदर से। तो ये रहे हमारे शूज़, और जो यहाँ पे ये दिया हुआ है लेदर अपर, यही मटेरियल से हमारा शूज़ बना हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं लेदर अपर, इससे ही शूज़ बना है हमारा पूरा। और इसमें यहाँ पे एक रेड टेप की ब्रांडिंग दी हुई है, आप देख सकते हैं, और यहाँ पे नीचे एक रेड टेप की ब्रांडिंग दी हुई है, और उन्होंने साइज़ नहीं लिखा हुआ है कि कितने साइज़ का है यहाँ पे। तो मैं बता देता हूँ, मैंने अपने लिए साइज़ 10 मंगवाया हुआ है, और इसका रेट आपने देखा था, ये था, दिखा देता हूँ यहाँ पे लिखा होगा 6499 का, और मुझे पड़ा है ये, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देखिए 1625 रुपये का, 1625, 1625 रुपये का मुझे पड़ा है ये, मतलब काफ़ी सही पड़ गया है। मतलब 2000 के अंदर ब्रोग्स काफ़ी कम आते हैं, जैसे एरो वगैरह के या हश पपीज़ के, उसके तो काफ़ी महंगे महंगे हैं, यानी 2500-3000 से ऊपर ही ऊपर के, लेकिन ये मेरे को सही पड़ गए 1600 रुपये में ब्रोग्स। अगर किसी को मंगाना है तो इसकी काफ़ी वैरायटी आती है रेड टेप की, जो कि आप अजियो में देख सकते हैं, मिंत्रा में काफ़ी महंगे मिलेंगे आपको ये रेड टेप के भी, लेकिन अजियो में आपको सस्ते मिल सकते हैं, और इनके 3-4 कलर वेरियंट आते हैं, तो आपको मंगा सकते हैं अपने लिए, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको, और इसको पहने हुए वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो के एंड में, तो वीडियो पूरा एंड तक देखें, धन्यवाद। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं, मैंने जूते पहने, आप देख सकते हैं कितने शाइनी है, कितने ब्राइट शूज हैं, मुझे तो काफ़ी पसंद आ रहे हैं। जो डिज़ाइन है आप देख सकते हैं, काफ़ी अलग ही निखर के आता है आगे, मुझे तो काफ़ी सही लगी यार ब्रोक्स। अगर आपको मंगवाना है तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप अपने आराम से मंगवा सकते हैं ये शूज़, इसके तो बहुत सही शूज़ हैं ये, मुझे काफ़ी पसंद आए, आई होप आपको भी पसंद आएंगे शूज़। अगर आप अपने मंगवाएंगे तो 1600 रुपये की रेंज में, 1600-1700 रुपये की रेंज में काफ़ी सही है एरो वगैरह के मुकाबले, वो थोड़े महंगे होते हैं हर्ष पपीज वगैरह के, लेकिन उनके मुकाबले भी काफ़ी सही शूज़ हैं, मुझे तो काफ़ी अच्छे लगे। आपको मंगाने तो लिंक डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, देख सकते हैं आप, और कंफर्टेबल भी काफ़ी है पहनने के बाद, चलने में कोई दिक्कत नहीं है इनमें, देखिए चलने में भी कोई दिक्कत नहीं है, कंफर्टेबल काफ़ी है। और अगर आपको ऐसी वीडियोस देखनी है शूज और क्लोथ्स की अनबॉक्सिंग की, तो मुझे लाइक शेयर और फॉलो जरूर करें, एंड नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, स्टे ट्यून्ड।